गुरु जी, सरसा नदी ते आके सारा परिवार बिछड़ गया। माता जी, छोटे साहबजादे पता नहीं कित्थे चले गए। अजीत सिंह जंग में शहीद हो गए ने, फिर भी तुहाडे मत्थे ते कोई शिकन नहीं। दुनिया जीवन दे तरीके लभदी है ते तुहाडा हौसला सिंघां नूं शहीद होण दी जात सिखांदा है। बस हुण तां बाबा जुझार सिंह ते ही आसा ने कि इह वड्डा हो के पंथ दी बागडोर संभालेगा। गुरु पिता जी, मैं भी वड्डे वीर वांग जंग च जावांगा। ना जुझार सिंह, ना तू एहो जी गल ना कर। तू तां हले बहुत छोटा है। गुरु जी इहनू समझाओ ना। मैं सेवा सिंह नूं कहना कि अगला जत्था उह लैके जाएगा। जथेदार जी, मानता हाँ कि मैं तलवारबाजी विच पूरा निपुण नहीं, पर अनजान इन्ना भी नहीं कि 8-10 नूं मार के मर ना सका। गुरु पिता जी, मैनू आशीर्वाद दियो। शस्त्र धारण करके युद्ध विच जान तो पहला जिवें तेरा वड्डा वीर सोहना गबरू जवान लगता है, तू भी उसी तरह लग्या करेगा। तुहाडे आशीर्वाद तो बिना भला मैं मैदाने जंग विच किवें जावांगा, उदों खुद ही देख लेना। गुरु मां, तुसी इत्थे? हां, जंग ते जान तो पहला मैं अपने पुत्र नू मिलन आई सी। गुरु पिता जी दे चरण स्पर्श करन लग्या, मैं यही सोच रहा सी कि काश आज मेरे कोल मेरे गुरु मां हुंदे, मैं उना दा भी आशीर्वाद लेके जंग नू जांदा। डरता नहीं लग रहा? मां, मैं ता सिर तो पैर तक जोश नाल भर गया। मैनू फकर है मेरे लाल, आज मेरा लाल जंग विच लड़न वाला योद्धा बन के नितरेगा। मां, तुहाडी अखां चो हंजू? ए हंजू नहीं, आशीर्वाद दे पुत्तर। जिव जिव हुकम तिवे तिवकार, नानक साची की साची कार। ਦੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਵੀਆਂ ਦਾ ਹਲੇ ਹੋਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਂ
ओए गुरु दे पुत्रा, बस तू तो वी कैसी आपका। चलो